हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग ऑरेंज टीकोमा देखते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास है वो भी है, उसी तरह से ये पिंक टीकोमा है फ्रेंड्स। देखें तो मैंने इसे इसी साल, इसी 2 महीने पहले मैंने इसे लाया है नर्सरी से। ये मुझे 70 रुपये में पड़ा था फ्रेंड्स, और इसे मैंने छोटे से पॉट में अभी लगाया था। देखें इसमें बहुत सारे जंगल भी आ गए हैं। ये 8 इंच का पॉट है फ्रेंड्स, और बारिश का मौसम है इसलिए इसे लगने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। देखें इसमें बहुत सारे अभी ये सब देखें नए नए लीफ निकल रहे हैं फ्रेंड्स, और ये फ्लावर भी यहाँ आने के बाद ही निकले हैं। और देखें ये बहुत सारे अभी इसमें न्यू लीफ निकल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब ये प्लांट लग चुके हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं। टीकोमा और अल्मांडा में यही फ़र्क है फ्रेंड्स कि दोनों सेम है, जैसे कि सालों भर आपको फूल देंगे। थोड़ा सा वही है कि जाड़े के मौसम में थोड़ा इनका फ्लावर कम जाता है फ्रेंड्स, लेकिन ये बंच में देखें गुच्छे में फ्लावर देते हैं। तो अभी तो ये न्यू मेरे यहाँ निकले ही हैं, लेकिन जब और खिलेंगे तो और अच्छे लगेंगे, पूरे भर भर के खिलेंगे फ्रेंड्स। ये देखें यहाँ जैसे ये सूखा हुआ है, इसको कट कर देना चाहिए हमें। जैसे ये प्लांट सब सूखा हुआ है तो इसे कट कर दूँगी मैं, और नहीं तो और सूखते चले जाएँगे। तो केयर तो मैं वही करती हूँ, ऑर्गेनिक देती हूँ, राइस हर्स के गोबर की खाद, राइस हर्स के बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला कर के, और मैं कोई भी प्लांट रिपोर्टिंग करती हूँ। मैंने आप लोग को हर वीडियो में बताया है फ्रेंड्स, और प्लांट बहुत अच्छे लग जाते हैं। राइस हर्स है कि आपके ड्रेनेज होल को सही रखता है, जैसे बारिश के मौसम में भी प्लांट में देखें मेरे कोई भी गमले में पानी नहीं रुकते हैं फ्रेंड्स। देखें ये मैंने स्वर्ण चंपा का प्लांट भी हाल ही में लाया है 2-3 महीना पहले, तो ये भी लग चुके हैं। और ये मैंने गरम मसाला का प्लांट, सब पर मैंने वीडियो बना दी हूँ फ्रेंड्स। ये मेरे गरम मसाला का प्लांट्स सब का मैं देखें इसमें न्यू शूट निकल रहे हैं फ्रेंड्स। देखें इनमें यहाँ निकले हैं, करीब ये 1-1.5 महीना हो गया मुझे रिपोर्ट किया हुआ। तो कोई भी आप प्लांट यदि लाते हैं नर्सरी से तो पहले उसे छोटे पॉट में लगाएँ फ्रेंड्स। जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो उसका पॉट चेंज करते जाएँ साल 2 साल में फ्रेंड्स। तो मैंने शुरू से सबको 8 इंच में ही लगाई हूँ, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़े होते हैं मैं चेंज करते जाती हूँ। तो ये गरम मसाला का प्लांट है फ्रेंड, तो मैंने तो इसमें अभी ज़्यादा यूज नहीं किया है, इसे मैं पहले बढ़ने देती हूँ, उसके बाद मैं इसे यूज करूँगी फ्रेंड। तो आप लोग भी टीकोमा लगाएं, टीकोमा का वाइन भी आता है फ्रेंड्स, लेकिन ये भूसी टीकोमा है और ये पर्पल है फ्रेंड्स। इसका ऑरेंज भी है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको दिखाती